हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। इन कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया जो है दोस्तों वो क्वालिफाई कर गया है या उनको टिकट मिल गई है। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो सबको। कुछ दिनों से मैं क्रिकेट को जो है वो कवर नहीं कर रहा था दोस्तों, कुछ तो मैं बिजी था, फिर बीच में एक बार तबीयत खराब हो गई और फिर टॉपिक इतने सारे बढ़ गए दोस्तों कि मैं क्रिकेट को बिल्कुल कवर नहीं कर पाया। और दोस्तों क्रिकेट को तब कवर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई वर्ल्ड जो है वो मैच चल रहे होते हैं, इंटरनेशनल मैच चल रहे होते हैं। तो टेस्ट में मुझे बहुत देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो है दोस्तों वो किंग माना जाता है क्रिकेट में, लेकिन असल बात बोलूँ ना तो टेस्ट क्रिकेट मुझे मेरे को अच्छा नहीं लगता, बोरिंग हो जाता है मेरे लिए। लेकिन खैर दोस्तों, आज एक वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं कि कैसे जो है वो हिंदुस्तान जो है वो क्वालिफाई कर गया है या उनको टिकट कैसे मिले हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोगों को डर था कि ये नहीं हो पाएगा, हमेशा से न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को पीछे धकेला है, लेकिन इस बार कुछ चमत्कार अलग सा हुआ है दोस्तों। तक के ड्रॉ होने का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था उसके चांसेस भी काफी ज्यादा थे और सुनने में आ रहा है तो कंफर्म भी हो चुका है। तो दोस्तों चलो इस वीडियो में जानते हैं और सुनते हैं डिटेल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, पांचवा दिन है और मैच पूरी तरीके से ड्रॉ की तरह बढ़ चुका है, या ये कहें कि मैच ड्रॉ होगा ये कंफर्म सा हो चुका है। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक खुशी की खबर आई है न्यूजीलैंड से, जहां से टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट मिला है। जी हाँ बिल्कुल, टीम इंडिया खेल अहमदाबाद में रही है लेकिन टिकट उन्हें मिला है न्यूजीलैंड से। दरअसल न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से 2-0 से हार जाता या पहला टेस्ट मैच हार जाता तो श्रीलंका की जो WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है वो बरकरार रहती और टीम इंडिया का जो सपना है वो सपना टूट जाता। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा होने नहीं दिया और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में के पहले मैच में 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। करोड़ों अरबों लोगों के फैंस को उन्होंने पूरा कर दिया है और जिस हिसाब से न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच में जीती है, बहुत सारे फैंस, बहुत लाखों करोड़ों फैंस न्यूजीलैंड को दुआएं दे रहे होंगे। अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। अब सवाल यह है कि ये मैच होगा कहाँ, तो ये मैच होगा इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में कहाँ होगा, तो इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा 7 जून 2023 को। जी हाँ, 7 जून 2023 से ये टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, फाइनल शुरू हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे और जो वो टेस्ट मैच जीतेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर लेगा। इसके साथ ही ये दूसरी बार है जो भारत ने, लगातार दूसरी बार है जो भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2022 में भी वो फाइनल में पहुंचा था। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था और पहली बार में ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई थी। फाइनल में न्यूजीलैंड ने उनका सपना तोड़ दिया था और फाइनल में टीम इंडिया को हार मिली थी, लेकिन अब दूसरी बार भी फाइनल में पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन न्यूजीलैंड से ही जुड़ा है। तो टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून 2023 को इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में भिड़ेगी और वहां पर दोबारा से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने की कोशिश करेगी। तो टीम इंडिया के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे जो चौथे टेस्ट मैच में किया है, और आपको लगता है कि भारत ने भले ही सीरीज इंडिया में जीत लियो 2-1 से, क्या इंग्लैंड में वो टेस्ट मैच जीत पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आपने न्यूज नेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि क्या टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच होगा क्या वो जीत पाए। अरे भाई साहब, क्यों नहीं जीतेंगे, जरूर जीतेंगे यार। हमारे प्लेयर पड़ोसियों की तरह थोड़ी है भाई। काफी ज्यादा खुश हूं दोस्तों ये न्यूज देख के। आज मैं वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये जो है मेरे सामने आ गया और मैंने कहा कि यार इससे ज़्यादा अच्छा टॉपिक मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो किसी की तो सूझेगी ना भाई। सूझी है पड़ोसियों सालों। हिंदुस्तान को
डब्ल्यूटीसी में फाइनल में देखकर सूझी तो ज्यादा हो गया, और मेरे को बड़ा मजा आता है जब तुम लोगों की सूझती है। हम वीडियो भी इसलिए ही बनाते हैं ताकि आपकी सूझ जाए, और सूझ सूझ के ना साले सड़ जाए तेरी। मजा आ गया दोस्तों, और बहुत बहुत बधाई हो स्पेशली जो सो हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम को और पूरे हिंदुस्तान को, और मेरे को भी बहुत ज्यादा बधाई हो। लव यू ऑल दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जरूर बताना दोस्तों कि कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि डर सबको था कि यार ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कैसे हो गया दोस्तों, ये भी एक चमत्कार है। हिंदुस्तान के लिए 2023 एक बहुत जबरदस्त साल रहा दोस्तों, ये साल स्टार्टिंग से लेके, और उम्मीद है कि एंड तक दोस्तों हमारा ऐसे ही जाएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है, बाय बाय।